अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खुशबाश होंगे अपने अपने घरों में भी, अल्लाह करम से आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हो। जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं उन सब के लिए मैं थैंक्स बोल रही हूँ, और जो नए आने वाले हैं मेरे चैनल पर प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। जी जनाब जी, आज बच्चों के स्कूल का स्कूल ओपन हो गए थे, तो फिर मैं उनके लिए स्लाइस एग और मीठे स्लाइस बना रही थी। तो बस आज से बच्चों की रूटीन स्टार्ट हो गई है स्कूल की। सब बच्चे स्कूल जाएंगे। कभी रहे थे इधर मुझसे पूछने के मामा की ये तो इसके अंदर स्कर्ट है और ये जो टी शर्ट मेरी है। मैंने कहा वो रात को मैंने प्रेस किए थे ना, तो मैंने दोनों की है ना शर्ट है, तो इसलिए वो चेंज हो गई थी। आज से बच्चों की रूटीन चेंज हो गई है। पिछले टाइम उन्होंने बहुत मौजें की छुट्टियों में, अब से अब वो उनकी रूटीन चेंज हो गई है। मैंने भी रात को ही बच्चों को नहला धुला के सुला दिया था, मुझे पता था सुबह उठ के इन्होंने ज़िद करने का पहला दिन है, तो इसलिए फिर मैंने उनको रात को ही नहला के तो साफ़ सुथरा कर दिया था। तो सुबह उठ के फिर वही आयशा ने तंग किया था थोड़ा सा, और कबीर ज़रा तो जल्दी से तैयार हो गए थे। तो माओं की भी रूटीन चेंज हो गई है, मेरी भी आज से रूटीन चेंज हो गई है। उधर आयशा उठ के आई है तो वो जैसे बुझी बुझी सी नहीं होती वैसे हुई हुई थी। तो मैंने कहा आयशा आपने स्कूल जाना है, ज़रा भी ब्रेकफास्ट कर रही थी उसको देख के थोड़ा सा स्लो हो गई थी। तो कबीर कह रहा मेरी वीडियो क्यों बना रही हैं, तो मैंने कहा कबीर आपकी वीडियो बना रही हूँ क्या आप तैयार हो गए हो। तो आयशा इधर मैंने ज़रा को पानी दिया, तो बस जी ज़रा अपनी डोल के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। मैंने कहा चलो आपकी पोनी कर देती हूँ। तो फिर बस मैंने इधर से जल्दी से बच्चों को तैयार किया था। कभी और ज़ारा का स्कूल जल्दी उनकी टाइमिंग जल्दी थी तो वो दोनों जल्दी चले गए थे। तो आयशा ज़िद कर रही थी बहुत ज़्यादा, आज रोई भी है। तो इधर देख सकते 7:45 का टाइम है, तो मैं आयशा कह रही थी अल्लाह हाफिज़ बोलो, मेरे पास आकर कहती है मेरे से नहीं खाया जा रहा। तो बच्चे बस वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो फिर मुझे पकड़ा कर तो फिर स्कूल के लिए चली गई थी। तो यहाँ बच्चे स्कूल चले गए थे, फिर बाद में मैंने सारा काम वगैरह घर का किया, बर्तन वगैरह वॉश किए, सफाई वगैरह किए, सारी क्लीनिंग वगैरह की है मैंने घर की। तो जो मैंने ये झूले के स्टैंड थे ये भी धो दिए थे। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर भी करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इस तरह बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, तो लेकिन उतना सपोर्ट नहीं मिलता। तो ये जो मैंने गोश्त निकाल दिया था, मैंने तो इसको पहले थोड़ा सा फ्रीज हुआ हुआ था, तो मैं पानी में डाल के रखती हूँ थोड़ा सा नरम हो जाएगा। आज मैंने गिया और गोश्त की रेसिपी बनानी थी। ये देख सकते हैं कल बारिश इतनी ज़्यादा आई थी ना, तो फिर मैंने अंदर ही सारे कपड़े फैला दिए थे, तो मेरे कपड़े काफ़ी सूख गए हैं सारे, मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए थे। बच्चों के भी छुट्टी का टाइम हो गया, इनके बाबा गए हुए हैं इनको लेने के लिए। तो बच्चों के आने से पहले मैंने सारा काम वगैरह कर दिया था। तो जी बच्चे भी आ गए हुए हैं। आप नहीं देखो शीशा, देखो ज़रा देखो ये क्या किया, उल्टी तो नहीं है? वो देखो तो सही ज़रा, मैंने तो नहीं बनाई, झूठ नहीं बोलते हैं आपने। उधर मुक करो जरा, ओए देखो गला इसने पीछे वाली साइड पर पैर लिया, चलो सीधा करो इसको। और वो कुलचे तरह क्या यही बच्चे शरारतों में लग जाते हैं, तो बहुत ज्यादा मस्ती शरारतें कर रहे थे। मैं इनको कह रही शरारतें करना शुरू हो गया, जैसे ये बंद करो डोरी, कह रही थी अपनी ये डोरी बंद करो। तो कह रही है देखिए क्या हुआ, सही सही इधर आओ, इधर आओ मैं ठीक करती हूँ तुम्हारी डोरी। तो नेक्स्ट जी देखिए आप, मैं इधर नमाज पढ़ी थी तो बच्चों ने मेरी वीडियो बना दी, बच्चे खाना वगैरह खा रहे थे, इनको खाना दे दिया था मैंने, तो खाना खा रहे थे। तो फिर मैंने नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ने के बाद बच्चे चले गए थे ट्यूशन। तो थोड़ा सा मैंने मोबाइल पर वीडियो वगैरह वॉच की थी। तो फिर बाद में मैंने खाना बनाया था, घिया गोश्त बताया था मैंने आपको खाने में बन रहा है,
तो इधर जी मैंने पहले गोश्त को अच्छे से मैंने अलग से भून लिया था। उसके बाद मैंने इसमें सारे मसाले वगैरह डाले, ज़ीरा और पिसा सूखा धनिया तो मैं लाजमी डालती, इससे टेस्ट दोबाला हो जाता है हम खाने का। तो बस अब इसमें पानी डालकर इसको पकने के लिए रख दूंगी। इधर मैंने इसको चढ़ा दिया था कुकर में डालकर पकने के लिए जी 20 मिनट बाद। अब फिर हम इसको निकाल लेंगे कढ़ाई में, तो इसके अच्छे से हम भुनाई करेंगे। इसके अंदर मैंने सूखी मेथी भी डाल दी थी, उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। साथ में मैंने घी को भी प्रेशर में ही गाल लिया था, बॉईल कर लिया था। तो अब इसको हम पीस लेते हैं। कुछ लोग वैसे घी खड़ा खड़ा रखते हैं, लेकिन मैं पीस लेती हूँ उसको अच्छे से ना, फिर अच्छा टेस्ट आता है। और मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया, आप देख सकते हैं ऑयल हमारा सेपरेट हो गया। तो जी हमारा खाना तैयार हो गया था। साथ ही में मैंने आटा भी गूंद लिया था हाथ में कैमरा पकड़ कर, तो फिर वीडियो बनानी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो इधर मेरे से पानी वगैरह मैंने डाल दिया था, लेकिन जब गूंदने की बारी आई तो फिर मुझसे गूंदा ही नहीं जा रहा था। कितनी मुश्किल से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इसको लाइक भी करें। तो साथ ही फिर मैंने रोटियां भी बना दी थी, रात का टाइम है तो मैंने कहा चलो बच्चे जल्दी से खाना खाएंगे, क्योंकि बच्चे सुबह के उठे हुए थे, तो इसीलिए फिर उन्होंने सपारा वगैरह भी पढ़ लिया था। तो अब वो खाना वगैरह खाएंगे, तो दूध वगैरह पियेंगे और फिर सो जाएंगे, क्योंकि आज से उनकी रूटीन चेंज हो गई हुई है। सुबह जल्दी उठना है, तो फिर रात को जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी से उठेंगे। यहाँ मुझे एक बात याद आई, मुझे एक कमेंट्स आया था कि अभी आप कोई हेल्पर वगैरह नहीं करके सारे काम खुद करती हैं। जी जनाब जी, इधर खाना वगैरह खा लिया था, बच्चे सो गए थे, तो मैंने कहा चलो सारा दिन टाइम ही नहीं मिला कपड़े वगैरह तय करने का, तो मैंने कहा चलो कपड़ों को तय लगाती हूँ, साथ साथ आपके साथ बातें भी शेयर करती हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे 3 बच्चे हैं और हस्बैंड है और सास ससुर भी है। सास कभी हमारे पास रह लेती है, कभी मेरी जेठ की तरफ रह लेती है, तो इसलिए कोई हेल्पर नहीं है मेरे पास, मैं सारे घर के काम खुद ही करती हूँ। इसलिए मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बस जनाब जी, अब मैं ये कपड़े सारे जो बच्चों के हैं कपड़े वगैरह तय करूँगी, जो आयरन करने वाले हैं अपने हस्बैंड के वो कपड़े आयरन कर दूँगी, अपने भी कुछ कपड़े मेरे वो भी आयरन करने वाले कर लूँगी। अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।